वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब नौकरी से जुड़े जो लोग बाग होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपने नौकरी को बदलें या ना बदलें, या बदलें या इसी प्रोफेशन में इसी जॉब को हम इंतज़ार करें कि अगली अपॉर्चुनिटी कब आएगी। कई ऐसे सवाल जहन में घूमते रहते हैं। इसको एक विषय के तौर पर हम लेकर के पल्लवी से बातचीत करेंगे आज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वास्तु विषय पर। आइए कार्यक्रम में पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हमारा जो आज का विषय है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु, एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि कई बार असमंजस में हो जाते हैं लोग बाग के एक काफ़ी समय से कुछ लोग नौकरी कर रहे होते हैं कि इसी जहां नौकरी कर रहे होते हैं वहीं पर रुके रहें कि बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी तो हो सकता है कि वो सीनियोरिटी की ओर बढ़ें। फिर कई ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि हमें कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ले लेते हैं, लेकिन एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि ये लें या ना लें। और तीसरा पड़ाव ये होता है कि बहुत से लोगों की बहुत जल्दी जल्दी नौकरी चेंज हो रही होती है या नौकरी मिल भी नहीं रही होती है जी। इसको वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो जॉब और करियर के साथ अगर किसी व्यक्ति दर व्यक्ति के बारे में बात ना करें और कॉमन अगर बात करते हैं तो घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है जिसको अग्नि कॉर्नर माना जाता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करने वाले लोगों को, ऑलरेडी जॉब है लेकिन उसमें प्रमोशन चाहने वाले लोगों को, अपने करियर के अंदर सिर्फ जॉब के थ्रू ही आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ी सी बढ़कर बात इसमें यह है कि अगर आपका व्यक्तिगत करियर कॉर्नर कुछ और हो, जैसे कि वहाँ पे रहने वाले पर्सन के लिए फाइनेंशियल और उसके करियर इम्प्रूवमेंट का कॉर्नर जो हो वो व्यक्तिगत तौर पे नॉर्थ ईस्ट हो या वेस्ट हो या साउथ हो, उसके बाद भी उसको साउथ और साउथ ईस्ट को मिला के वो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल ही घर बदलते हैं, घर बदलने के साथ जो जॉब है वो चली जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जब तक घर नहीं बदला था तब तक जॉब और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से स्टेडी और प्रॉपर पोजीशन में चलती है। जैसे ही जॉब बदल दी उनको अपने आसपास के कलीग के साथ, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं करते हैं, या फिर जॉब जो है वो उनके लिए एकदम सफोकेशन का काम करना शुरू कर देती है और वो बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हमने जब तक घर नहीं बदला था तब तक सब कुछ ठीक चलता था, अभी अभी नया घर लिया है। कनाडा में मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करती हूँ, तो यूके कनाडा में लोग बार बार जॉब बदलते रहते हैं, उनके पास अलग अलग तरह की मेजॉरिटी कोशिश होती रहती है कि जॉब के थ्रू कुछ आवर्स के हिसाब से 3-4 जॉब कई बार लोग दिन में करते हैं जी, जी। तो जैसे ही आदमी घर बदलता है मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होता है उसमें ये आ जाता है कि जॉब जो है या तो छूट जाती है या तो खतरे में आ जाती है और टेंशन हो जाती है। तो इस विषय को अगर जैसे आप व्यक्तिगत उदाहरण देते हैं बतौर कंसल्टेंट, आपके लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको एक उदाहरण के तौर पर अगर आप समझाना चाहें जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु विषय को, किस तरह से समझाएंगे? मैं आपको ये बात अपने कुछ दिनों पहले, यानी कि आपको लास्ट वीक ही मैंने एक क्लाइंट का काम किया था, पटेल फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में अपनी सिस्टर के साथ काम शुरू किया, वो एक्चुअली जॉब थी लेकिन लगता ऐसा था कि जैसे वो पूरा बिजनेस उन्हीं के लिए बनाया गया था। बहन ने, सारे रिश्तेदार ने बोला कि भाई यह लिया ही आपके लिए है। सो ऑल ओवर बाहर के लोगों के लिए ऐसा लगता था कि भाई ये स्टोर इनका है, बट इनसाइड ये था कि वो सिर्फ वहाँ पे जॉब कर रहे थे, कॉर्पोरेशन में उनका नाम नहीं था, कुछ नहीं था, उनको पे स्टफ दिया जाता था। सो बेसिकली इट्स लुक लाइक अ बिजनेस बट इंडिविजुअल, जिसमें वो आराम से इंडिपेंडेंटली काम करते थे। सब कुछ सही जा रहा था उनके कहने के अनुसार, पहले रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के घर आना जाना, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद उन्होंने लगा कि अपना कुछ करते हैं, तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया किसी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, दूसरी जॉब भी नहीं बदली, चेंजेस कुछ नहीं किए, किसी और के साथ बिजनेस शुरू नहीं किया, वो उन्होंने सोलो किया अपने खुद की फैमिली के लिए। तो परिवार के लोगों ने, जो बहन के साथ काम करते थे, उन्होंने आपको बोल उन्हें कहा कि आप हमें इसमें पार्टनरशिप दे दो क्योंकि आपको अच्छा डील मिल गया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके ये कहा कि आपके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो ये सिर्फ मेरी परिवार के लिए, तो इसको रखते हैं, बट दूसरा कुछ आएगा तो मैं आपको ऑफर करूँगा। समहाउ एक नाराज़गी की वजह वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है,
कि रिलेशनशिप में आदमी कई बार इतना लालची, इतना क्रेजी हो जाता है, डजंट मैटर वो कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैंने इसको खड़ा किया, मैं इसको पगार दे रही हूँ, मैंने इसकी पहचान बनाई, इसने मुझे मना कर दिया। सो अभिमान चीज़ ही ऐसी है, तो बहन को लगा कि यह बहुत गलत है। कुछ ऐसे चेंजेस हुए और सेम टाइम पे उन्होंने घर बदला, घर को बदला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली। अपनी बहन के घर पे तो आराम से जाते थे क्योंकि जॉब वाली टेंशन ही नहीं थी, सडनली वहाँ पे खड़े हुए थे और उनको उसी लोकेशन पे एक फ़ोन आया और बोला कि कल से आप काम नहीं कर रहे हो। सो उसके तो पैरों तले से, पहले तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये मजाक हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसने फिर अपनी बहन, जीजा जी ने मैसेज दिया, बहन को कॉल किया, इधर उधर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह का मैसेज, शाम को 4 बजे तक वो बहुत ही अपसेट रहे। अपनी बीवी को कॉल किया, बीवी बहन को फ़ोन करती है, कुछ भी करते कोई नहीं कॉल उठाया। माता पिता को कहा, उन्होंने भी कोशिश की, बेटी को नहीं फ़ोन उठाया। 4 बजे के बाद बहन बोलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी फैमिली का डिसीजन है और तुम्हें फॉलो करना है। जो आदमी मॉर्निंग तक अच्छा खासा सुखी था, शाम तक पूरी लाइफ चेंज हो गई। बिल्कुल, अब वो इतने परेशान हो गए, पहले तो उसको मेंटली शॉक लगा क्योंकि घरेलू बात थी, घर का हिस्सा। करेक्ट, अपना पर्सन जब हमें धोखा देता है ना, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महीने तक उन्होंने अपनी सेविंग्स के साथ गुजारा किया। अब एक तरफ दोनों लोन शुरू हो गए क्योंकि नया घर बदला था, कि यही सोच के कि भाई खुद का ही बिजनेस है, तो एकदम अच्छे खासे पूरे फ्लाई कर रहे थे, विन विन कंडीशन में थे, उसकी बजाय कम्प्लीटली डाउन पोजिशन में आ गए जी। फिर उसकी वाइफ को ऐसा लगा कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। हमने उसको पूछा कि आप ऑनलाइन करते हो, विजिट करते हो? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात करनी है और आप इधर आइए। तो हमने वहाँ पे विजिट की, उन्होंने अपनी सारी परिवार की बात बताई, मैंने उसकी बात सुनी। उसके पति ऑलमोस्ट डिप्रेशन कंडीशन में आ चुके थे जी, जी। तो हमने उस घर के अंदर सबसे पहले देखा कि घर के जो कुछ कॉर्नर से, जो उन्होंने नया घर बदला था, उसका जो किचन था वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में था। तो उन्होंने कुछ बुक वुक्स पढ़ी होंगी वास्तु की, तो उनको लगा कि चलो खुद ही कर लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट का किचन उसको लगा कि वो इंडियन वास्तु के बुक के हिसाब से सही होता है, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि व्यक्ति दर व्यक्ति चीज़ें इंडिविजुअल भी हो सकती है। घर का दरवाजा गराज का सिलेक्ट किया, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर। घर का किचन था वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। पति की दिशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की थी, जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर था। 3 वास्तु दोष बड़े मेजर थे उसके करियर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देने के लिए। उसके बाद वहाँ पे उसके सॉल्यूशंस जो थे वो अप्लाई करने के बाद उनके हस्बैंड को इतनी हिम्मत दी गई कि अपनी, उनका चार्ट ही ऐसा था कि वो सिर्फ जॉब ही कर सकते थे, तो उनकी वाइफ के नाम पे एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। और बहुत ही टफ सिचुएशन थी क्योंकि पैसे नहीं थे, तो पार्टनरशिप में किसी थर्ड पार्टी जो कि दूर के दोस्त थे, उनके इन्वेस्टमेंट से वाइफ और दोस्त ने एक बिजनेस को खरीदा जो कि सेम ग्रोसरी स्टोर कॉन्सेप्ट था। और ये भाई साहब को वापस वहाँ पे प्रॉपर्टी पे रखा गया। और वो इतना वर्कोलिक, इतना हार्डवर्क और इतना मेहनतू आदमी था कि बिना काम के डिप्रेशन में था, लेकिन काम पे जैसे ही उसको छोड़ दिया, उसने वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी लास्ट वीक मिलने की वजह सिर्फ यही थी कि वो रिपीटेड कंसल्टिंग था, मैं सिर्फ ऐसे ही मिलने गई थी उनको। तो उस बात को 3-4 महीने हो चुके थे और अभी धीरे धीरे वो पिकअप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पैसे की कमी है तो धीरे धीरे जा रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता है कि उसको सारी चीज़ें मिल जाती है क्योंकि पुरानी जो रेपुटेशन थी वो इस बिज़नेस में उसके काम आ गई। तो ऐसे करके वो आदमी खड़ा हो रहा है। अब इतने से काफ़ी रुकावट नहीं है, यहाँ पे बहन को पता चला कि उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो जितने भी वेंडर पुराने थे जिनसे वो माल ले रहे थे, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन स्वभाव और अच्छाइयों की वजह से फिर भी कुछ वेंडर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई बार घर बदलने के साथ ही जब वो झटका लगता है, तो पहला सवाल उस लेडी ने भी मेरे को यही कहा था कि हम पुराने घर में बहुत सुखी थे, जैसे इस घर में आए सब कुछ खराब हो गया, तो ये घर बहुत अनलकी है, हम यहाँ से निकल जाएं तो ही सुधारा हो जाएगा कि क्या करेंगे। लेकिन जो लॉस आप कर चुके हो, जो रिश्ता आप खराब कर चुके हो, और यहाँ पे आकर दूसरे घर में जाओगे तो फिक्स नहीं होगा। तो बार बार परेशानी के लिए घर बदलना ज़रूरी नहीं होता है, जहाँ पे हो जैसे हो वहाँ पे उसको ठीक से समझ के सॉल्यूशन अप्लाई करने से फ़ायदा मिल जाता है। तो आपको समझ लेना है कि ये नुकसान था, इसको रिकवर किया, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को रिकवर किया तो फ़ायदा मिला, तो जब दोबारा कोई कोशिश करेंगे तो उस दिशा का ले सकते हो। लेकिन राइट अवे फ्लिप फ्लॉप करते जाओगे, मूव होते जाओगे, तो और फाइनेंशियली लॉस में आ जाओगे क्योंकि उस कंडीशन में नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो कंसिस्टेंसी चाहिए। जी, तो जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग जॉब के साथ किसी भी वजह से नाराज़ है, सेटिस्फेक्शन नहीं है,
घर की पोजीशन को बदलने से, अपनी ऑफिस के जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे, या किसी ब्रांच को बदलने के बाद कोई परेशानी होती है, तो नया घर बदल दो या किस वजह से हुआ उसके अंदर आप जो भी टेंशन में रहते हो, साथ में जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हो उसी को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है उस पर फोकस करो। और वास्तु के माध्यम से, इवन फंक्शन के माध्यम से, जॉब से रिलेटेड चीज़ों में एनर्जी को क्रिएट करने से बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्विकली मिलता है। जी जी, बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी की ओर से। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु विषय को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Asian Indian Community for Bob Menendez Rally on Monday, November 5th at Royal Albert's Palace, New Jersey at 5:30 p.m. with Governor Phil Murphy as chief guest. For further information, log on to info@tvasiausa.com or call 732-650-1100. इस दिवाली जीतिए रॉयल के साथ। हर 10 पाउंड रॉयल बासमती राइस में पाइए मौका हजारों जीतने का। जल्दी कीजिए, मनाइए दिवाली रॉयल के साथ। हैप्पी दिवाली। Construction needs, from building your dream house to commercial properties, please call Suga Builders, a trusted name for more than 20 years. My ma gifted me elegance, and my pa passed on his passion for hard work. I inherited their strength to walk my own path, my Pashmina business. It can be hard, but they always held my hand. For over 165 years, MassMutual has provided the protection to make those steps a little easier. My parents made me who I am. Now I can pass on their gifts to others. ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आपने एक पटेल फैमिली का उदाहरण दिया, बताया कि किस तरह से उनके साथ जॉब को लेकर के चुनौती आ रही थी और बहुत से लोग इस सिचुएशन को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, फिर वो चाहे कॉर्पोरेट जॉब्स में हो या किसी भी सेक्टर में नौकरी कर रहे हों, भले अपने रिश्तेदार के साथ कर रहे हों, या कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड की नाम की कंपनी या वाइफ जॉब कर रही होती है, या वाइफ के नाम की कंपनी और हस्बैंड जॉब कर रहा था, इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। लेकिन वास्तुदोष को अगर हम समझने का प्रयास करें, जिसकी वजह से ये निरंतर परिस्थिति बनी रहती है कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, और जब सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो इंसान को कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे जाती है, उसकी हेल्थ को भी खराब कर जाती है। मल्टीपल फैक्टर्स आर अटैच्ड विद दिस। वास्तुदोष क्या हो सकता है जिसकी वजह से जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे अगर वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश की जाए। जैसे कोई बीमारियां होती है तो उससे पहले उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में वो जाके एक बड़ा सा डिसीज बन जाती है और बाद में वो आपको नुकसानदेह होती है। वैसे ही वास्तु के हिसाब से कोई भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को जब आप बदलते हो तो आपके घर का जो अग्नि कॉर्नर है वहाँ पे कोई भी तरह का पाउडर रूम या कोई भी तरह का टॉयलेट बाथरूम बना हुआ हो तो साउथ ईस्ट इज़ अ फायर एलिमेंट रिलेटेड डायरेक्शन। उसमें वाटर एलिमेंट जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल में क्रिएट हो जाता है। जी, यूनिवर्स के हिसाब से सारी दिशाएं जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसका एलिमेंट सेम है, लेकिन पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर जो भी अलग अलग कॉर्नर्स पे आप किसी भी बिल्डिंग को बना के किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हो, कोई फ्लोर प्लान एक बना लेते हो, तो उसके बाद वहाँ पे रहने वाले लोग जो होते हैं किसी के घर के या कमर्शियल के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हो सकता है, घर हो तो किचन हो सकता है, उसके आगे चल के कुछ और जिप कोड में जाओगे तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्कूल हो सकती है, किसी के यहाँ पे स्विमिंग पूल हो सकता है, किसी का बाथरूम हो सकता है। तो जितने एरिया के अंदर उस दिशा से गुजरने वाला जो फोर्स होता है और जो आसपास की सजावट उन लोगों ने की है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन जो होता है वो वहाँ पे उतने जिप कोड में उतने लोकेशन में रहने वाले लोगों पे होता है।
तो यूनिवर्स के हिसाब से ईस्ट जो है वो जिस दिशा के एलिमेंट के साथ है वैसा ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एक ही तरह के फोर्स के साथ है। तो इसीलिए वास्तु ये कहता है कि आप किसी खुले मैदान में चले जाओ, आपको वास्तु नहीं करना पड़ता। वहाँ पे वास्तु शास्त्र के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप खुले एटमोस्फियर में खड़े हो। आपने ना नॉर्थ में वॉल बनाई, ना साउथ में वॉल बनाई, ना वेस्ट में कुछ है, ना ईस्ट में कुछ, आप ऐसे ही आसमान के नीचे खड़े हो। तो वास्तु के कोई नियम वहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब आप घर बनाते हो, कमर्शियल स्पेस बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हेल्थ कुछ भी रिलेटेड आपका मेडिकल क्लिनिक हो, कुछ भी हो, तो कोई भी स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन होता है तो आप किसी न किसी फोर्स को ब्लॉक करते हो, कुछ विंडो को ओपन करते हो, किसी दरवाजे को ओपन करते हो और कुछ जगह को डार्क कर देते हो। तो पूरे यूनिवर्स में वो डार्क नहीं है, सिर्फ आपके घर में है। किसी के घर में ईस्ट में पूरी डार्क वॉल बनी हुई हो तो उसका पूरा ईस्ट ब्लॉक है, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से तो सूरज निकलता है और लोगों को सामने दिखता है। तो जितने लोग उस एरिया में रहते हैं उतने ही लोगों को वो वास्तु दोष इफेक्ट करता है। इसीलिए वास्तु कहता है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के थ्रू नेचर के एलिमेंट को आप डिस्टर्ब करते हो या इन्हांस करते हो। जी, अगर परिस्थिति कुछ इस तरह की हो बलवी जी की, जहाँ पे जॉब में सेटिस्फैक्शन, मान लीजिए कि जो व्यक्ति को जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है और वो घर का ओनर भी नहीं है, रेंटल प्रॉपर्टी में रहता है। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने करियर की शुरुआत कॉन्डोमिनियम में रेंट करते हैं, टाउन हाउसेस रेंट करते हैं, सिंगल फैमिली होम भी रेंट करते हैं, प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं, फिर किस तरह का वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल सही पूछा सवाल आपने। कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आप घर या अपना बिजनेस लोकेशन आपने उसको खरीदा हुआ हो या आपने रेंट किया हुआ, जिस जगह का हवा उजास आप भुगतते हो उसी की जगह की इफेक्ट आपकी लाइफ पे आती है। लेकिन अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी हो तो 10-15% 20% ओनर को जाता है, 80% इफेक्ट आपके ऊपर आता है। एक गैस स्टेशन आपने लीज किया हुआ, लेकिन वहाँ पे होने वाला प्रॉफिट और लॉस किसके पास जाता है? आपके पास जाता है। ओनर के पास तो सिर्फ उसकी जो रेंटल इनकम है उतने तक ही वो रिस्पॉन्सिबल है। सो रेंटल प्रॉपर्टी हो या खुद की हो, जहाँ पे आप रहते हो वो चीज़ का इफेक्ट, अच्छा और बुरा प्रभाव आपके ऊपर जाता है। मेरे शिकागो में एक क्लाइंट है जो हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसा काम करते थे कि हस्बैंड को एवरी टाइम वीकली फ्लाई करके न्यूयॉर्क आना पड़ता था, तो कई बार वहाँ पे वीक के 4-5 days रहते थे और वीकेंड के लिए घर पे जाते थे। अब ऐसे करते करते न्यूयॉर्क वाली जॉब थी वो बहुत ही कॉन्शियस थे। हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों को जॉब प्रमोशन में, काफ़ी वेल नोन टेलीफोनिक से रिलेटेड ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से नाम नहीं दे सकते, बट जिसके साथ हम उनको वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी CEO, हम उनको हेल्प करते हैं प्रमोशन के लिए। तो काफ़ी करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं जिनका पूरा फोकस होता है अपने काम के लिए। तो जो न्यूयॉर्क में काम करते थे उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी कैलिफोर्निया में मिल रही है, तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अब ईस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट आसान था, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट काफ़ी मुश्किल था, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी तो हमने उनको वेस्ट कोस्ट में मूव कर दिया। फिलहाल वो सैन फ्रांसिस्को में है। तो जब उनकी वाइफ थी वो शिकागो में थी, तो उन्हें लगा कि भाई मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो जाना तो चाहिए। फिर बाद में वो बहुत लंबा हो जाता था, तो उन्होंने पूछा कि मैं शिकागो छोड़ के जाऊँगी, मैं सक्सेसफुल हो तो कहीं ऐसा तो नहीं उधर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी? तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड जो है उसके लिए वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप रहने जाओगे तो अपॉर्चुनिटी दुगनी हो जाएगी। जी। तो वो वहाँ पे कम्प्लीटली मूव हो गए और जो शिकागो में पोजीशन थी उससे मच बेटर पोजीशन, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में वो वहाँ पे है। तो कई बार मूविंग घर और बिजनेस के एक साथ हो जाते हैं तो उससे बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है, फ़ायदा होता है। लेकिन जब कभी कोई चीज़ मूव करते हो, अपने घर के बेडरूम का फर्नीचर हो, अपना नाइट लैम्प हो या पूरा घर हो, उसकी इफ़ेक्ट आपको दिखाई देती है कुछ दिनों के बाद। अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर वो चेंजेस गलत होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। जी दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे, टिप ऑफ द वीक जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि चलिए समस्या को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब जैसा कि पल्लवी जी कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार घर बदलना है या बार बार तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शुई के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो रेमिडियल मेजर की तरह काम करते हैं, इन सब पहलुओं पर बातचीत होगी। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए वास्तु लविंग का। कल की यादें, अ बॉलीवुड म्यूजिकल जर्नी। क्या हुआ पड़े
contact. If your credit card debt is out of control, if you're in over your head in monthly payments, there's a secret the credit card companies don't want you to know. If you have more than $5,000 in credit card debt, you have the right to let us settle that debt for a fraction of what you owe. That's bad news for the credit card companies, but it's great news for you. We're Credit Associates, and we're offering you free information on how to virtually eliminate your credit card debt with a monthly payment you can afford. To see how much you could save, call now. 1-800-965-5386. Don't declare bankruptcy. Don't consolidate. Give us 10 minutes and we could save you thousands. After all, we depend on your success and offer a guarantee so there's no risk. Credit Associates. Live better, debt-free. Find out how easy it is by calling now. For the secret the credit card companies don't want you to know, call Credit Associates now and see how much money you could save for free. Call 1-800-965-5386. घर के सिलेक्शन से पहले वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर के मेन डोर का सिलेक्शन और डायरेक्शन। चाहे आप घर लीज कर रहे हो या नया खरीद रहे हो, व्यक्ति दर व्यक्ति डायरेक्शन अलग अलग होती है। पति पत्नी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी गुड लक डायरेक्शन वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के अनुसार सजेस्ट की जाती है। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। इस इलेक्शन में मैं और मेरी टीम के अन्य सदस्य मैरी डॉर्डी और रिचर्ड कॉर्करन मॉरिस काउंटी फ्री होल्डर के लिए खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमको अपना सपोर्ट देंगे। भूलिएगा नहीं, नवंबर 6 को रूपांदे मेहता, मैरी डॉर्डी और रिचर्ड कॉर्करन को मॉरिस काउंटी फ्री होल्डर के लिए और शालिनी गैगलियार्डी को मॉरिस काउंटी क्लर्क के लिए अपना वोट दीजिए। थैंक यू। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? इस प्रोग्राम में मैं आपको दो अलग अलग तरह के टिप देना चाहूंगी। अगर आप सिर्फ अपने जॉब में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, कोई भी तरह की जॉब हो लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर में कार्निलियन स्टोन जो आता है उसको आपको रखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ किसी वजह से डिस्टर्बेंस है और अपने आसपास के लोगों से आप परेशान हो, माहौल ठीक नहीं है आपके लिए, तो कार्निलियन के साथ साथ रोज़ क्रिस्टल को भी मिला के साथ में रखें। तो घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में और जहाँ पे आपकी जॉब हो उसके फ्रंट डेस्क के ऊपर कार्निलियन स्टोन को रखें। रिलेशनशिप डिस्प्यूट ज़्यादा हो तो कार्निलियन और रोज क्रिस्टल को इकट्ठा करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। जी, इसके अतिरिक्त पल्लवी जी कोई और ऐसे रिमीडियल मेजर्स आप सजेस्ट करें हैं? बहुत सारे हैं, यूं तो व्यक्ति दर व्यक्ति हर एक की सिचुएशन के हिसाब से केसेस को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक समांतर स्तर पर अगर कुछ सुझाव हो आपकी ओर से तो क्या कहेंगे? कई बार इस तरह के प्रोग्राम में जो कॉमन बातें होती है जो हर एक के लिए यूजफुल हो और व्यक्ति दर व्यक्ति ना हो ताकि किसी को नुकसान नहीं हो जाए, वही सजेस्ट करने की कोशिश टिप के माध्यम से रहती है। जो कि हम और भी अलग अलग तरह की कितनी सारी वास्तु की टिप्स बनाते हैं तो वो सारी टिप का पर्पस ये होता है। लेकिन अगर बात इंडिविजुअल हो जाती है तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रेमेडियल के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। प्लस हम जो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को 28 साल हो गए अभी इस लाइन में, तो ज़्यादातर हमारी जो मास्टरी है वो अपने अनुभव के दौरान इतनी है कि हम विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें कलर्स के माध्यम से, प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्शन को बदलने के माध्यम से, फेसिंग को चेंज करने के माध्यम से इसमें इम्प्रूवमेंट दिया जाता है। वास्तुशास्त्र की भी कुछ काफ़ी ऐसे रेमेडियल साइंस है, गैलपिंग हॉर्सेस है, फिर अलग अलग तरह के एक्वेरियम है, अरोना फिश, इट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको करियर इम्प्रूवमेंट में क्विक रिजल्ट दे सकते हैं। जी, यहाँ एक बात और जानना चाह रहा था कि कुछ जैसे जब हम घर खरीदने की बात करते हैं, जब लोग लाइव कॉल इन शो में वास्तु लिविंग के लिए बात करते हैं आपसे, तो कई बार आप जैसे घर की लिए कैलकुलेशन करते हुए हस्बैंड वाइफ के चार्ट को देखते हैं, तो इस तरह से जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात होती है क्या उसमें भी कुछ हस्बैंड वाइफ के चार्ट को एक साथ देखा जाता है? ऐसा नहीं होता है। जब आप एक घर का वास्तु करते हो तो पति पत्नी और बच्चे जो है उसमें इकट्ठे होके उसके क्योंकि वो चार लोग पांच लोग उस घर में रहते हैं, उस घर में है। करेक्ट। जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें तीन पार्टनर आपके साथ हो तो वहाँ पे वाइफ और बच्चे नहीं आएंगे। जो लोग उस चार
पेपर पे हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से वो बिजनेस होगी। तो घर के लिए पति पत्नी को ये बोला हो कि आप नॉर्थ का घर लो या वेस्ट का लो, ईस्ट का नहीं लेना, लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसे पार्टनर्स हो तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप नॉर्थ का बिजनेस लो और ईस्ट का बिजनेस लो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बदल गया। अब जॉब की बात में ऐसा होता है कि कंपनी जिसके साथ वो काम करते हैं, जो भी उसका कॉरपोरेशन का नाम हो, उस कॉरपोरेशन के नाम के अनुसार उस कंपनी के साथ जब आप जुड़ते हो तो वहाँ पे या तो हस्बैंड जुड़ा होगा या वाइफ जुड़ी होंगी, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं तो भी उनके उनके जो रोल है वो इंडिविजुअल है जी। तो वहाँ पे साथ में कॉम्बिनेशन जा ही नहीं सकता जी। लेकिन घर के अंदर जो करियर इम्प्रूवमेंट का कॉर्नर हो और पति पत्नी सेम डायरेक्शन के हो तो एक ही कॉर्नर को इम्प्रूव करने से दोनों को फायदा मिल सकता है, लेकिन जॉब में इंडिविजुअल आदमी को देखा जाता है जी। इससे पहले कि मैं बातचीत को ख़त्म करूँ, एक जो इसी से जुड़ा जो सवाल, कई बार जो लोग जॉब्स में होते हैं निरंतर दो बातें जो देखी जाती हैं, या तो वो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं काफ़ी दफ़ा और इसीलिए वो कहीं मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कुछ आगे कदम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, क्योंकि इनसिक्योरिटी रहती है। दूसरा, मेहनत जितनी मर्जी कर लें लेकिन फिर भी उसकी सिफत, उसकी उसका जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। फिर ये कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी बात हो जाती है, क्या कहेंगे उसके लिए वास्तु कैसे मदद कर सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं होता या सेटिस्फाइड नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा ले ऑफ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है जितनी अच्छी सैलरी, जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब में हो। करेक्ट, क्योंकि कंपनी कई बार आपका पूरा बेनिफिट लेती है, चीज़ों को अपग्रेड कर देती है और बाद में अच्छी सैलरी वाले लोगों को वो ले ऑफ दे देती है और बाद में फिर वो फॉलोअप लोगों से काम चला जी, बिल्कुल। तो ऐसा हमेशा होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एरिजोना में एक क्लाइंट थे, वो अपनी कंपनी को मूव करके दूसरी कंपनी में जा रहे थे, तो वो बड़े टेंशन में थे कि ये मूविंग मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कई बार कंसल्टिंग जो वास्तु का होता है, वास्तु कंसल्टेंट के साथ होता है, वो सिर्फ घर बिजनेस ऐसा नहीं होता है। जॉब वाले लोग जो अलग अलग कंपनी या कॉरपोरेशन को बदलते हैं या बिजनेस चेंज कर जॉब चेंज करते हैं तो पूछते हैं कि भाई हम ये सपोज एंट्रिक्स LLC और व्हाटएवर नेम ऑफ द कंपनी इसमें जा रहे हैं तो ये मूविंग हमारे लिए कैसा रहेगा। तो हम कंपनी के हिसाब से उनको बोल देते थे कि अभी जॉब बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। कई बार उसके घर का वास्तु अगर हमने किया हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं कि 7 years 7 साल तक या 2 महीने तक आप रुक जाओ और उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि 7 साल के बाद उसकी जॉब बदलते बदलते वो बिजनेस में टर्न हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो वास्तु सिर्फ आज के लिए नहीं होता है, हम जो कहते हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे, तो जिंदगी सिर्फ एक घर के साथ तो जुड़ी नहीं होती है। आप जिंदगी भर में, तो मैं खुद ही हर 2 साल में घर बदल देती हूँ, तो जिंदगी भर में तो लोग बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। तो ये एक एक आपके लिए रनवे है, रनवे में अलग अलग बहुत तरह के सिटी, बहुत डेस्टिनेशन आएंगे, लेकिन एक रनवे के थ्रू आप बहुत ही स्पीड में अपनी चीज़ों को, सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजी की तरह ऑल ओवर फ्यूचर देकर साथ में नहीं चला जाता, वो आपके साथ चलता है उस रनवे पे और वो आपको हर स्टेप पे गाइड करता है। तो जॉब तो इसी का हिस्सा है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, 6 महीने काम करोगे, फिर आपको राइट टाइम पे राइट मूविंग करना भी ज़रूरी होता है। आप उसी को पकड़ के आगे चलते रहोगे तो सफोकेशन हो सकती है जी। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। पल्लवी जी से दिलचस्प ज्ञानवर्धक बातचीत रही जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वास्तु विषय पर। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, अब हमें लिख सकते हैं vastu@tvasia.usa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु, दैट्स vastu@tvasiausa.com और फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में एक नए विषय पे हम पल्लवी जी के साथ चर्चा करेंगे। पल्लवी जी आइए, तब तक के लिए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। दर्शकों का स्वागत। आज मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही जाने माने
डॉक्टर हरीश वर्मा जो कि आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं। वो हमारे साथ बात करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियों पे जो बहुत कॉमन हैं, जिनका हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेदा में। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत। थैंक यू जी, और सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर चंद बीमारियों को हम लेके चलेंगे जिसमें स्लिप डिस्क जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मसला है, जो ओबिसिटी से भी रिलेटेड है, जो लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है। तो आप इसके बारे में हमें कुछ मालूमात दीजिए। देखो, जो डिस्क होती है, स्लिप डिस्क जिसको आपने कहा, ये आमतौर पर जब किसी को कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में, तो वो कहते हैं कि स्लिप डिस्क हो गई। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसमें छोटे छोटे मनके बने होते हैं जिनको हम वर्टेब्राज कहते हैं। तो दो वर्टेब्रा के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क पड़ी होती है जो स्पॉन्ज का काम करती है, एक शॉक एब्जॉर्वर का काम करती है। जैसे हम छलांग लगाते हैं तो कुदरत ने इस तरह की चीज़ बना दी कि वो एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा से टकराए ना, अदरवाइज तो वो टूट जाएगा। तो ये कुशन एक रखा हुआ कुशन है, लेकिन ये कुशन हिल जाता है तो वो तो पूरा सिस्टम, जिससे सबसे बड़ी जो नर्व स्ट्रेच होती हैं, शैटिका की पेन की बहुत ज़्यादा वो होती है। तो इस सिलसिले में कुछ वजाहत। हाँ, मैं इसमें और थोड़ा बता दूँ कि जो रीढ़ की हड्डी पूरी, अगर गर्दन जो हमारे हेड के नीचे से शुरू होके जो गर्दन के वर्टेब्रा हैं, इनको हम सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं, और जो चेस्ट के रीजन के वर्टेब्रा हैं इनको थोरेसिक वर्टेब्रा कहते हैं, और जो लंबर स्पाइन लोअर बैक के वर्टेब्रा हैं उसको हम लंबर वर्टेब्रा या लंबर स्पाइन कहते हैं। ये तीन वर्टेब्राज, तीन कैटेगरीज होती हैं। तो जिस रीजन का वर्टेब्रा की डिस्क इफेक्ट हो गई है, वो श्रिंक कर गई है या डीजनरेट कर गई है या वो डैमेज हो गई है, वहाँ पर उस तरह के लक्षण आते हैं। जैसे अगर किसी के सर्वाइकल वर्टेब्रा के अंदर की डिस्क जो है वो परलैप्स कर जाए, तो पेशेंट्स के आमतौर पे बाजू में दर्द आता है और गर्दन में दर्द रहता है। और ऐसे ही अगर रीढ़ की हड्डी में हो जाए, जो चेस्ट के रीजन की थोरेसिक वर्टेब्रा में हो जाए, तो चेस्ट के रीजन में जो पीठ का रीजन है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्क डीजनरेट कर जाती है। और ऐसी फिर तीसरी जो आपने बात की लोअर बैक की, जो लोअर बैक है, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी के खास करके L4-L5 वर्टेब्रा के अंदर जो डिस्क होती है, जब वो डीजनरेट कर जाती है या फट जाती है, जब हम कोई जोर लगाते हैं या कोई धक्का लगाते हैं, कोई जोर का काम करते हैं या ट्विस्ट कहीं कर जाएं, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो L4-L5 वर्टेब्रा पे डिस्क पड़ी है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने से उसके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है वो कई बार नर्व को भी प्रेस करने लग जाता है। सो जिन लोगों को L4-L5 वर्टेब्रा की डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको आमतौर पे कमर का दर्द रहता है, ये मेजर सिम्टम होता है। और अगर ये दर्द पुराना हो जाए तो कई बार ये दर्द कमर से उठ के टांग के पिछले हिस्से से होता हुआ पैर तक जाता है, पैर की जो लिटिल फिंगर है वहाँ तक जाता है, तो उस दर्द को हम शियाटिका बोलते हैं। सो बेसिकली वहाँ शियाटिक नर्व होती है जो L4-L5 वर्टेब्रा से निकलती है और नीचे को जा रही है, जब वो कहीं प्रेस हो जाती है, जिसको आम भाषा में नर्व पिंच कहते हैं, तो वो प्रेस हो जाए तो वो दर्द नीचे शैटिका का बन जाता है। तो इन सब चीज़ों का पता MRI से या CT स्कैन से या X-ray से लगता है। सो जिन लोगों को कमर में दर्द है, साथ में उनको पैर सुन होते हैं या टांग में दर्द रहता है, वो अपने डॉक्टर के पास जाके अपना CT स्कैन, MRI या X-ray करवा के देख सकते हैं। वहाँ से डायग्नोज होगा कि उनकी डिस्क जो है वो स्लिप तो नहीं हो गई या उनकी नर्व कोई पिंच तो नहीं हो रही, अदरवाइज ये पता करना मुश्किल होता है।
डॉक्टर साहब, ये तो हमें समझ आ गई कि ये नर्व से रिलेटेड चीजें हैं जी। और ये हमारे डिस्क के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड, नर्वस सिस्टम हमारा डिस्क के साथ, हमारी पूरी जो बैकबोन जिसको बोलते हैं उसके साथ बहुत रिलेटेड है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका हमारे जिस्म में क्या काम है जो हमें इसके लिए परेशान होना चाहिए? दर्द तो एक बात है, आपने गोली खा ली, दर्द आराम आ गया, तो इसका क्यों इलाज करना चाहिए, इसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, अगर इसको इलाज नहीं करेंगे ये तो कई बार पैरालिसिस तक हो जाता है। अगर आपकी नर्व इतनी डैमेज हो गई और नर्व का फंक्शन ही लॉस हो जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा आपका तमाम जिस्म जो है वो काम करना नहीं, वो टांग खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों को डिस्क है उनको बेहद पेन होती है, उनको पता होगा दर्द असहनीय होता है, सहन नहीं होता उनसे। पहले तो दर्द है, दूसरा उनके पैर नम होने शुरू हो जाते हैं, तीसरा उनका फंक्शन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, मरीज चल ही नहीं पाता। ये बहुत सीरियस बीमारी है और इसका टाइमली इलाज होना चाहिए, और कई बार मेडिकल डॉक्टर इसका ऑपरेशन भी करते हैं। तो इसकी पकड़ क्या है, ये जब ज्यादा हो जाता है तो तब पकड़ होती है, इसको शुरू में ही कैसे रोका जा सकता है कि जब आपको फौरन पता चले कि ये क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं? देखो, पेशेंट को एकदम बैकएक होती है, आम भाषा में बोल देते हैं जी मेरे चूक पड़ गई है, वो होती है बैकएक। अगर तो एक्यूट लंबैगो बोलते हैं इसको हम, अगर तो एक्यूट पेन है तब तो बेड रेस्ट इसकी 90% रेमेडी है। कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, 90% आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार बेड रेस्ट के बाद भी ये बीमारी चलती रहती है, और ये कई बार कुछ लोग गलती कर जाते हैं, वो अनाड़ी लोगों के पास जाके अपनी मालिश मुलिश करवाने लग जाते हैं। यहाँ मैं एक हिदायत दे देता हूँ, जिन लोगों को बैकएक रहती है उनको एक तो आगे को झुकना नहीं चाहिए, कोई आगे को झुक के चीज़ नहीं उठानी चाहिए, और दूसरा वजन नहीं उठाना चाहिए। ये दो तो कंप्लीट हिदायत हैं उनके लिए, अदरवाइज उनकी नर्व डैमेज भी हो सकती है। और अपने डॉक्टर के पास जाके अपना MRI, अपना एक्सरे या अपना CT स्कैन कराएं, जिससे ये पता लगे कि आपकी नर्व कितनी प्रेस हो रही है। और जिन लोगों ने करवाया हुआ है, अगर किसी को आराम नहीं आ रहा वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं भी उनको उनकी रिपोर्ट पढ़ के बता दूंगा कि उनको आगे क्या करना चाहिए। इसके नुस्खे, रेमेडीज, और जिसको कहते हैं कि होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं? देखो, जिनको स्लिप डिस्क है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेड रेस्ट। अगर आप बेड रेस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक बेल्ट ले आएँ बाजार से, जो 9 इंच के करीब चौड़ी होती है, उसको आप कपड़ों के नीचे से लगा लें काम करते हुए, तो कॉन्स्टेंट आपकी बैक जो है रेस्ट में रहती है। लेकिन उसको एक लिमिटेड यूज़ करना है आपने। इसके लिए हम लोग अपने क्लिनिक में जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं लगता कि घरेलू उसको से ठीक होगी, इसके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब लोग पहलवानों को बड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं, और वो कुछ एक हड्डी टूटती है तो दूसरी एक उसके साथ एक और, क्या आप इसके सिलसिले में क्या? नहीं नहीं, वो उनको नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ कुछ कायरोप्रैक्टर हैं क्वालिफाइड जो ये काम करते हैं, वो ठीक हैं। जो अनपढ़ लोग हैं या जो क्वालिफाइड नहीं है उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर होता है। अदरवाइज़ जो कई बार डैमेज भी हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, दो वर्टेब्रा के बीच में से डिस्क और जो नर्व निकलती है, वो नर्व अगर डैमेज हो गई तो नर्व का फंक्शन ही लॉस हो जाएगा, वो टांग को ऊपर नीचे करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और नमनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसलिए एक तो ध्यान रखिए, हम लोग अपने क्लिनिक में जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें कर्कुमिन को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं डिस्क की प्रॉब्लम में, अश्वगंधा।